आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, आपको यह प्रश्न दिया गया है, वह न्यूनतम संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिसमें 15, 18 एवं 27 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 प्राप्त होता है एवं वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो बच्चों, इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें दिया गया है कि 15, 18, 27 से विभाज्य एक संख्या ज्ञात करनी है जिसकी स्थिति में 9 शेषफल बचे। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। उनका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। पहले जो हमें संख्या दी गई है 15, 18, 27, सबसे पहले इसमें किसका भाग जाएगा? सबसे पहले इसमें जाएगा 2 का भाग। ये 15 ऐसे कैसे ही 18 में 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 9 और 27। अब इसमें जाएगा 3 का भाग। 3 का जब 15 में भाग देंगे तो आएगा 5, 9 में देंगे तो 3 और 27 में देंगे तो 9। वापस से 3 का भाग देते हैं इसमें, 3 का भाग वापस देंगे तो ये 5, 3 में देंगे तो 1 और 9 में देंगे तो 3। वापस से इसमें 3 का भाग देते हैं तो 3 में वापस भाग देंगे तो आ जाएगा 5, 1 और 1। अब इसमें 5 का भाग देते हैं तो 5, 1, 1, 1। तो हमारा जो बच्चों एलसीएम हो जाएगा, हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3 × 5। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसका अगर गुना करके लिखे तो 5 × 3 = 15, 15 × 15 = 30, 15 × 3 = 45 और 3 × 2 = 6। तो 6 × 45, इसको आगे हल करेंगे तो 6 × 5 = 30 की 0 80 लगी 3, 6 × 4 = 24 और 3 = 27। तो बच्चों हमारा एलसीएम क्या आ गया? हमारा एलसीएम आ गया 270। अब हमें ज्ञात करनी है वो संख्या जिसमें 270 और 9 शेषफल और बचे। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो संख्या हो जाएगी वो ये होगी। तो संख्या क्या हो गई हमारी? संख्या हो गई 2, 7, 9। लेकिन आप देखें तो ये संख्या क्या है? 11 से विभाज्य नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो संख्या होगी वो हमारी संख्या होगी 270 × k + 9। 270 का कोई मल्टीपल होगा, कोई गुणज होगा जो क्या हो, 11 से भी विभाज्य हो और उसके शेषफल भी 9 बचे। तो हम ये मान लेते हैं। अब हमें निकालना है k = 1 लेने पर। k = 1 के लिए हमने जांच कर लिया, k = 1 के लिए हमने क्या किया, k = 1 के लिए 270 × 1 + 9 जो कि क्या आएगा, 200 × 80 जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। k = 2 लेने पर क्या होगा, 270 × 2 + 9 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0, 7 × 2 = 4, 80 लगी 1, 2 × 4 = 1, 5 + 9 तो क्या आ गया, 549। इसमें 11 का भाग देंगे, देखेंगे तो 11 का विभाज्य रूल क्या होता है, 11 का विभाज्य रूल होता है कि एकांतर क्रम में संख्या को जोड़े तो उनका जो योग है वो बराबर आना चाहिए। तो इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना होता है, 14, और बीच में कितना दिया हुआ है, 4। तो ये भी हमारी 11 से विभाज्य नहीं होगी। आगे हम k = 3 रखे, तो k = 3 रखने पर आ जाएगा 270 × 3 + 9। 3 से गुना करते हैं तो 0, 7 × 21 = 1, 2 × 3 = 2, 8 + 9 इसको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 819। इसमें भी लगाए तो 9 और 8 कितना होता है, 17, और बीच में कितना दिया हुआ है, 1। तो ये भी 11 से विभाज्य नहीं होगी। आगे k = 4 रखने पर, तो k = 4 रखने पर 270 × 4 + 9 4 से गुना करेंगे तो 0, 7 × 28 = 2, 4 × 8 = 2, 10 + 9 तो ये कितना आ गया, 1089। इसमें अगर जोड़े तो 9 और 1 10 नहीं, इसमें एकांतर क्रम में जोड़ना है ना, तो 8 और 1 9, और इसको जोड़ेंगे तो 8 और 1 9। तो ये जो हो गया एकांतर क्रम में 9 − 9 = 0 आया उनका योग। तो ये वाली जो संख्या है 1089, ये हमारी किससे विभाज्य हो जाएगी, ये हमारी विभाज्य हो जाएगी 11 से। तो और इनमें अगर 15, 18, 27 का भाग भी देंगे 1089 में तो उसमें क्या शेषफल बचेगा, इसमें 9 शेषफल भी बचेगा और ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य भी होगी। ठीक है, तो हमारी सारी शर्त पूरी होती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1089। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, प्रश्न में देखे तो हमें ज्ञात करना है संख्या के अंकों का योग।
तो इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका योग क्या हो जाएगा, 1089 का, 1089 का संख्या के अंकों का योग, 1 + 0 + 8 + 9, तो क्या हो जाएगा, 8 और 1 9 और 9 9 18। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 18। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में अगर देखे तो ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।